बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों, मैं आज आपके लिए फ्रूट चाट जो है ये बना रहा हूं। तो ये कैसे बनती है, ये बिल्कुल सिंपल, कोई इतना इसका मुश्किल जो है ना वर्क नहीं है। मैं दो सोस में आपको बना के दिखाऊंगा कि ये दो सोस जो है ना अलग अलग जो है ये कैसे बनते हैं। तो इस माह रमजान में बना के आप खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं और रोजे जितने भी रोजेदार हैं आपके अड़ोस पड़ोस में उनको भी जो है ना इनवाइट करें और रोजे खुलवाएं, बहुत बड़ा सवाब है। तो मैं जो है ना शुरू करने लगा हूं, तो अल्लाह ताला आपके रोजे कबूल फरमाए। अगर मेरा चैनल आपको पसंद लगता है तो इसको भी जो है ना आप सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट्स में लाजमी कुछ ना कुछ लिखा करें ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी शुरू करते हैं जी। फ्रूट हमने बिल्कुल ताज़ा फ्रूट लेकर, जो मौसमी फ्रूट है आपका, वो लेकर काट लिया है। ये देखें, इसमें केला है, अंगूर है, सब मौजूद हैं। तो दूसरी साइड पर मैं अभी जो है ना ये सॉस बनाने लगा हूँ। एक चम्मच, डेढ़ चम्मच तकरीबन जो है ना ये मैंने चीनी की ले ली है, ठीक है जी। एक लेमन जूस, एक नींबू का रस, ठीक है जी। ये है चाट मसाला। चाट मसाला जो है इसमें तकरीबन छोटा मोटा मिर्च वगैरह भी होती है, थोड़ी बहुत नमक भी होता है, तो इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जो है ना डालना है। ये मैंने लेमन, क्या कहते हैं, ऑरेंज जूस लिया है तकरीबन आधा गिलास, तो 200 मिलीलीटर जो है ना ये आप कह सकते हैं 200 मिलीलीटर या एक कप जो है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बनाएं। अगर आप ज़्यादा जो है ना वो बनाना चाहते हैं तो नुस्खा यही है, रिसेप्ट जो है ये इसकी एक ही है कि भाई ये चीज़ जाती है। तो दूसरी सोस है, हमने दही ले ली है जी। दही तकरीबन आप 200 ग्राम जो है ना दही ले ले, एक कप दही ले ले। इसमें चीनी जो है अपने हिसाब से, ज़्यादा आप मीठा लेते हैं या कम लेते हैं, इसमें भी मैंने डेढ़ चम्मच चीनी डाल दी है। आपने अपने हिसाब से जो है ना करना है, ठीक है जी। मामूली सा नमक, मामूली सा जो है ना नमक डाल दें। ये देखे मैं डाल रहा हूँ, ये है दूध की मलाई। ये दूध की मलाई जो है ये तकरीबन, या फ्रेश क्रीम आप ले सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है जी। तो इसको मिक्स कर लें, ठीक है। ये देखें ये मिक्स हो गया है जी। तो ये सॉस जो है ना ये बिल्कुल इजी, कोई इतना लंबा चौड़ा जो है ना ये इसमें कुछ नहीं डालना। ये फ्रूट हमने जो है ना ये छोटी प्याली में डाल के,
तो इस पर हम सॉस डालेंगे। ये देखें मौसमी फ्रूट है, जो आपके हिसाब से, मैं अगर बोलूं कि आप सिर्फ केला ही डालेंगे या नहीं, आप जो भी मौसमी फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है। अच्छा, आपने मौसम के लिहाज से जो है ना, वो आप फ्रूट जो है वो डाल दें इसमें, ठीक है। और ये जो है ना, ये जूस ऊपर इस पर, ये तकरीबन ये सब आप, अगर आपके पास आदमी ज़्यादा हैं तो आप इसको जो है ना, ये ज़्यादा बना लें जूस को, फ्रूट ज़्यादा काट लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मगर जो है ना, जो इसका रिसेप्ट है, जो वो एक ही चीज़ है कि भाई ये चीज़ जाती है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा या कम कर लें, ठीक है जी। तो ये देखें, ये दूसरी सॉस के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर ये दही जाएगा, ये सब दही इस पर जो है ना, ये डाल के इस पर मिक्स करें, बहुत ही मज़ा है, बहुत टेस्टी जो है ना। और ख़ास करके रमज़ान शरीफ में तो ये ठंडा अगर आप फ्रिज से निकाल के, तो क्या ही बात है। तो मेरे दोस्तों, ये रिसेप्ट आप ट्राई करें जी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको दोस्तों से आगे शेयर करें, ठीक है जी। और बेल आइकन को लाजमी जो है ना, वो दबाया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में जो है वो आसानी से आपको मिल जाए, ठीक है। तो कमेंट्स जो है ना, ये भी लाजमी दिया करें। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो गया है, ये बिल्कुल दोनों जो है ना, ये बहुत ही मज़ा, ये दोनों में बहुत मज़ा है, सही बात है। आप इसको ट्राई करें। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह